नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। भीम आर्मी को क्यों जरूरत पड़ी पैसों की? जी हाँ, कहते हैं ना कि कहने को पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ की ज़रूरत पैसे के बिना पूरी नहीं होती। लेकिन भीम आर्मी अपने आप में एक ऐसा संगठन है जो बिना किसी पैसे की मदद के अपने दम पे खड़ा हुआ है। जी हाँ, सहारनपुर में दलितों के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर जिसने आवाज़ उठाई थी वो थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, और उस वजह से दलितों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उसका हर्जाना भी उनको देना पड़ा। करीबन 16 महीने की जेल वो काट कर आए। भीम आर्मी में जब वो चंद्रशेखर रावण जेल में गए थे तो भीम आर्मी को आर्थिक मदद बहुत बड़े स्केल पे हुई थी, जिसका पैसों का, चंदों का कुछ नहीं पता चला कि कहाँ पर है, कैसे है, और जो सही से पैसे लोगों तक नहीं पहुँच पाए। कुछ लोगों ने भीम आर्मी को पैसे दिए थे वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को देने के लिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से उस मदद तक नहीं पहुँच पाए। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है, अमर आज़ाद हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन बिहार प्रदेश इकाई की आर्थिक मदद की आवश्यकता है। ये भीम आर्मी के ही जो बिहार से चलाते हैं उन्होंने ही अपना एक फेसबुक पे, आप जाके देख सकते हैं फेसबुक के ऊपर, ये उन्होंने स्टेटमेंट अपना डाला है फेसबुक पे। जबकि हमारे संवाददाता एसएम न्यूज़ की टीम हमारी जब सहारनपुर पहुंची थी तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जब तक मैं ना बोलूँ तो आप किसी को पैसा भी ना दें, आर्थिक मदद भीम आर्मी के नाम पर ना दें। वो स्टेटमेंट हम आपको दिखाते हैं। भीम आर्मी के नाम से USA, कनाडा और पता नहीं कहाँ कहाँ से भीम आर्मी के नाम पे चंदा इकट्ठा किया गया। उस चंदे का इस्तेमाल भीम आर्मी का ना होकर पर्सनल अपने यूज में किया गया। मैं यहाँ पे उन लोगों के नाम नहीं खोलना चाहूँगा जिन लोगों ने ऐसा किया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल पे? देखिए, आपने बताया कि ऐसा हुआ जी, मीडिया ने पहले भी ऐसा लिखा, ऐसा हुआ। मैंने पहले एक बार कहा था लोगों से, एक प्रेस मीट भी करवाई थी कि लोग किसी को भीम आर्मी के नाम पे चंदा ना दें। जी जी, और पहले जो हो चुका, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो चीजों को खराब करता है, तोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। और क्योंकि भीम आर्मी को लालच नहीं, भीम आर्मी प्रमुख को पैसे का लालच नहीं, क्योंकि मैं जिस आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा हूँ तो साहब का हम साइकिल में पूरी देश की यात्रा करती है, तो पैसा डजंट मैटर, पैसा कोई मैटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि लोग बड़े प्रेम से पैसा दे रहे हैं, उनको लगता है सही लोगों के पास पैसा जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी ये भावना गलत है। मैं उन्हें भी कहूंगा कि पैसा कोई मायने नहीं रखता, पैसे की वजह से इस लोगों की उम्मीद को, इस संघर्ष को बदनाम ना करें। तो आप जो दानी दाता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपको प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर देश में रहते हैं, वो आप भीम आर्मी को एक ऐसा सामाजिक संगठन के रूप में उसको बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो पैसा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग उस पैसे को खा जा रहे हैं? देखिए, ऐसा जो कोई व्यक्ति कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कि मेरा उन लोगों से निवेदन जो ऐसा कर रहे हैं, अगर उनके मन में भी कहीं सामाजिकता बची हो, कहीं इंसानियत बची हो, तो वो ऐसा ना करें भविष्य में जी। और रही बात उन लोगों की जो प्रवासी भारतीय नारायण जो मदद कर रहे हैं, देखिए बहुत लंबे समय से चला आ रहा है वो मदद करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी रिहाई से लेकर जितने भी बेल में और सब चीजों में बहुत जगह से मदद हुई है, जो लोग बनते हैं उनकी उसमें मदद हुई। मैं शुक्र आपके चैनल के माध्यम शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों का, नारायण जिन्होंने मदद की, क्योंकि मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं है जी। क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, जो कोर्ट के मामले थे सब में पैसा लगाता, इन्वेस्टमेंट करता, तो मेरा तो घर भी बिक जाता जी जी जी। तो मैं तो गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ। तो उन लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, साहब आपने मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें जरूरत भी पड़ेगी, जब जरूरत होगी तो मैं भीम आर्मी प्रमुख ही आपसे मदद के लिए आपको कोई जरिया बता देगा। तो इस बार किसी गलत आदमी को मदद ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी, आपका जो प्रेम है उसको ठेस ना पहुँचे जी जी जी। क्योंकि जब आपको पता लगा आपके पैसे का मिसयूज हुआ तो आपको कष्ट होगा। तो मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते कहना चाहता हूँ कि साहब अभी आप ऐसा ना करें। अगर हमें मदद की जरूरत भी पड़ेगी सामाजिक काम करने के लिए, तो हम आप पे कोई ना कोई रास्ता आपको सही बता देंगे। ये स्टेटमेंट है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का, जिन्होंने अपने मुंह से कहा है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को भीम आर्मी के नाम पे चंदा ना दें। लेकिन भीम आर्मी को क्यों ज़रूरत पड़ गई पैसे की? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे चंद्रशेखर का जाना, अभी एक बहुत बड़े कार्यक्रम में, आयोजन में हिस्सा लेने जाना है जो भीम आर्मी करवा रही है, जहाँ पे भीम आर्मी अपना दमखम दिखाने जा रही है। तो जो ये आपके अमर आज़ाद हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक की पोस्ट पे ये डाल के
अपनी अपनी भीम आर्मी के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि आप मेरे पेटीएम नंबर 9431076540 पे आप पेटीएम कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी मदद करें, 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये, क्योंकि मदद की कोई सीमा नहीं होती है और किसी भी आंदोलनों को करने के लिए आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता होती है। और अमर आज़ाद प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी बिहार से और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, तो उनका मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7903390768 ये उनका मोबाइल नंबर है। और मोबाइल नंबर में अगर आप मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल मदद करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि भीम आर्मी के इंटरनली वर्क क्या हैं, इसके बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद का स्टेटमेंट था वो हमने आपको दिखा दिया है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे सामने आया तो हमने वो भी आपको दिखा दिया है, क्योंकि समाज में ज़रूरत है पैसे की और समाज में पैसा भी बहुत कम है। भीम आर्मी को दान देने वालों की कमी नहीं है। अभी हमारे एक मित्र और सहायक है, नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं शंभू सिंह करके, उनके पास भी किसी ने भीम आर्मी के नाम पे 3-4 लाख रुपए कुछ डोनेट करा था, वो स्पीच ये है। उनके लिए एक मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, लंदन से 3 लाख रुपए आए हैं जो मेरे पास है। आपके पास 3 लाख रुपए हैं? हाँ, जो लंदन से आए, मैं चाहता हूँ कि वो भी उनको मिले, मैं भी व्यवस्थापक से बात करूँगा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो भी कोई जो भी भीम आर्मी का लेना चाहते, तो इस तरीके से लोग ब्लाइंड फेथ के ऊपर डोनेट करते हैं भीम आर्मी को। बहुजन समाज के लोग हमेशा हर एक चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का पता भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को भी होना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है और इसका मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, अगर आप इसको हेल्प करना चाहते हैं, भीम आर्मी के जो आज़ाद हैं इनको आप हेल्प करना चाहते हैं, तो इनका पेटीएम नंबर और इनका मोबाइल नंबर आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, भीम आर्मी के लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, क्या ये कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है। और दोस्तों, अगर आप हमारे SM न्यूज़ से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी खबरें कहीं नहीं दिखाई जाती हैं, तो उन खबरों को दिखाएंगे हम। अगर आप हमारी अपनी खबरों को हमारे पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे, आप WhatsApp के मोबाइल नंबर पे आप हमें शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी न्यूज़ को आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि ये खबर हमें दिखानी है तो हम इसको ज़रूर दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं। तो समाज की और देश विदेश की खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी खबरें पहुँच सके और उसे पहले आपके पास। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।